थाना राया पुलिस ने चिकनिया गांव से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। इसके साथ ही अवैध शराब और उपकरण समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना राया क्षेत्र के चिकनिया गांव में वर्षों से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है और शराब माफिया इस गोरख धंधे में खूब फल फूल रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध धंधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राया पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें अवैध रूप से बनाई जा रही शराब की फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा। वहीं मौके से पुलिस ने 45 पेटी अवैध शराब के साथ साथ शराब बनाने में प्रयोग किए जाने वाली स्प्रिट और खाली रैपर भी भारी मात्रा में बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस कारोबार के मास्टरमाइंड मुकेश समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो लोग अभी फरार चल रहे हैं। एसपी देहात आदित्य शुक्ला ने बताया कि पुलिस इनके अन्य ठिकानों पर भी जल्द ही छापामार कार्रवाई करेगी। ये जनपद मथुरा में थाना राया के अंतर्गत अवैध शराब पकड़ने संबंधी अच्छी कार्रवाई हुई है। हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जो डीजी महोदय के आदेशानुसार अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग जिसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उसके तहत एक अच्छी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें 100 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुई है। और अभी तक जो शराब पकड़ी जाती थी कहीं न कहीं से हरियाणा मार का या कोई अन्य अवैध रूप से लाई गई शराब होती थी, लेकिन इसमें ये कृत्रिम शराब बनाने के उपकरण कुछ उसके कृत्रिम शराब के लिए भरने हैं तो खाली क्वार्टर और इत्यादि सामग्री भी बरामद हुई है, जिससे इस पर प्रभावी अंकुश लगेगा अवैध शराब बनाने पर। ये नगला चिकन और श्रीधाम कॉलोनी जमुनापार में भी इसका अड्डा था, तो ये जो कार्रवाई हुई इसमें चार अभियुक्त पकड़े गए हैं, गंभीर रिंकू मुकेश और अमित। ये चार अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। दो फरार हुए हैं, विष्णु और पंकज, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इनका आपराधिक इतिहास भी हमें मिला है और भी हम इसको छटवा रहे हैं। इन पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकार जो कार्रवाई थाना राया पुलिस ने सीओ साहब के नेतृत्व में की है, एसएसपी महोदय के मार्गदर्शन में उनके आदेशानुसार, तो इस पर एक बहुत बड़ी सफलता इसमें प्राप्त हुई है और हम इस पर गैंगस्टर आदि की कार्रवाई भी करेंगे, साथ में और भी संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाकर इसी में ऐड करके उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।